Hi everyone, namaste and welcome to my channel. La 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 la, la 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 la. Please avoid my ऐसा एकदम messy सा face, because अभी just मैं shower लेकर के आई हूँ, ऊपर मैं दिख नहीं रही हूँ कि मैं shower लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो किया है shower लेने का. आज हम लोगों को जाना है एक बहुत ही special जगह पे, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ कहाँ जाने वाला है, because थोड़ा सा private फंक्शन है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग. तो उसी के लिए मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, और आज बसंत पंचमी है, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. सो अब मैं रेडी होना स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने ना कल ही इसलिए हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था, जिस दिन मुझे पता था सुबह जल्दी शार लेना है, उसके एक दिन पहले मैं जल्दी हेयर वॉश कर लेती हूँ, ताकि मेरे बाल एकदम सेट रहें. ओके, सो स्किन केयर करते हैं. सबसे पहले मैंने अपना पूरा फेस वॉश, जब मैं शार लेती हूँ तो फेस वेस वॉश कर लेती हूँ. अभी लगा रही हूँ टोनर. दिन की शादी है जहाँ मैं जा रही हूँ, और दिन का फंक्शन है, तो अच्छी खासी धूप होने वाली है, तो मैं बहुत मिनिमल एकदम तरीके से रेडी होंगी. बहुत सारा मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन. बहुत सारा. तो इसको मैं अब्सॉर्ब होने देती हूँ, एंड फटाक से चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. With the eyeliner and everything, अब मैं हल्का सा आईज को कर्ल कर रही हूँ, और रेडी हो आए. सो आई एम रेडी, और बहुत ही, एक मिनट ही थोड़ा एडजस्ट हो जाए स्क्रीन. हाँ, तो बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ. मैं ईयर रिंग्स वगैरह भी हैवी नहीं पहन रही हूँ, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बस ये, और एक हाथ में वॉच डाल दी है, ऑन दैट्स इट, दिस इज़ माई ड्रेस. और इसके ऊपर के लिए मैं एक ना लेदर जैकेट रख लूँगी, जो मेरा कोट टाइप का स्टाइल का है वो, बस अगर ठंड लगी तो. वैसे तो ठंड लगने वाली है, तो यस लेट्स गो. फोटो नहीं, वीडियो बन रहा है. पेड़ का पका हुआ संतरा. वाह वाह वाह, मजा आ गया. शेयर कर लो. अब चार तो नहीं की संतरा, वो इतना बड़ा है वो कि शेयर कर सकते हो. पका है, दिखा देता. पका हुआ है, बहुत अच्छा वाला पका हुआ. वो घर पे जो रखे तो वही है. अरे ये तो फिर नींबू. नींबू है. हाँ ये नींबू. ये संतरा नहीं है. नींबू है, क्योंकि फादर ने बताया ऑर्गेनिक संतरा. उन्होंने बताया था उस दिन संतरा. हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आज नेक्स्ट डे, बिकॉज कल जहाँ मैं गई थी वहाँ मुझे ऑलमोस्ट रात हो गई थी घर आते आते, और क्योंकि दिन भर हमारा लग गया था, हम सुबह उठते से ही मतलब शार आर लेकर के पहुँच गए थे वहाँ पर, तो बारात लगनी थी, फिर शादी हुई, फिर रिसेप्शन था, तो वो सब हमने सेम ही कपड़ों में, मतलब रिसेप्शन भी दिन में ही था, फिर उसके बाद विदाई होनी थी, फिर विदाई होकर के घर लेकर के आए, तो ऐसे करके पूरा हमारा दिन ही लग गया. तो हम लोग घर ही कल 7:30 to 8 बजे तक आए हैं, तो इतना ज़्यादा थक गई थी मैं कि मैं, मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी. और जहाँ पर हम कल शादी में गए थे ना, वो वेन्यू इतना बढ़िया था, पर इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रखी थी, तो हमने वहाँ पर यू नो ऑरेंजेस लगे हुए थे वो तोड़ के खाए हैं, फिर उसके बाद मटर वटर, मतलब हर तरह की वेजीज लगी थी, वेजीज एंड फ्रूट्स, एंड इतने फ्लावर्स थे वहाँ पर, इतने थे, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, तो मैं तो बढ़िया मस्त वहाँ पे खूब घूम रही थी, इधर उधर हम लोग घूम रहे थे. तो बस वही है, वो हुआ वहाँ से आने के बाद. अब आज मैं जाने वाली हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जवस्वी, जिसको आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, इफ़ यू आर माय ओजी फॉलोअर्स, लाइक अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखते होंगे, तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. तो हम लोग जब से आए हैं ना, तब से उससे हमारा मिलना नहीं हो पाया है. हमको ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए, जनवरी में हमारे 6 मंथ कंप्लीट हो गए यहाँ पे, एंड मेरा उससे मिलना नहीं हो पाया है प्रॉपर वाला, जो मिलते हैं पर्सनली. ऐसे हम मिले, टकराए हैं, वो भी
हम कहीं ना कहीं इधर मॉल वॉल में मिल लिए थे या शादी में आ गया था तब मिल लिए थे, बट ऐसे प्रॉपरली नहीं मिले हैं। तो आज हम उससे मिलने जाने वाले हैं, वहाँ जाने वाली हूँ। उसके बाद मैं जब से आई हूँ तब से तो कुछ और ही 4 महीने से सिनेरियो लगा हुआ था, तो मैं अपनी और भी 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे भी नहीं मिल पाई हूँ, तो मैं उनसे भी अब मिलूँगी। क्योंकि अब हम लोगों को नहीं पता कि कब कंपनी बुला लेगी और कब, क्योंकि कंपनीज ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर भी हैं कि अब कभी भी बुलावा आ सकता है भाई, और कभी भी हमको जाना पड़ सकता है। तो अब मैं सोच रही हूँ जिन जिन से मिलना रह गया एटलीस्ट मैं उनसे मिल लूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम रह के गई हूँ और फिर उनसे मिली भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मिल लूँगी। एंड क्योंकि मेरा बर्थडे गया है, तो हाँ अभी तक मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं आया भाई, वो 15 फरवरी से पहले नहीं आएगा। हो सकता है मैं इस व्लॉग में इंक्लूड कर दूँ अगर ये व्लॉग लंबा चलता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग जो रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें गैस करी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि सही गैस किया है कि नहीं गैस किया है। तो एक और चीज़ मैंने बर्थडे के लिए ली है, मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है ना, मेरे बर्थडे पे यूजुअली लोग सब अमाउंट देते हैं मुझे, कोई ऐसे प्रॉपर गिफ्ट नहीं देता है, अमाउंट दे देते हैं घर वाले लोग। तो टीनू हर साल मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट देती है और मैं भी उसको अमाउंट ही देती हूँ, ताकि हम अपनी अपनी पसंद की कुछ चीज़ ले लें। अगर मैं उसका जैसे कभी गोल्ड की रिंग ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, ऐसे करके उसके नाम की कोई चीज़ ले लेती हूँ, ताकि वो हो जाता है कि भैया टीनू की तरफ का गिफ्ट है। तो इस बार मैंने ये सोचा था कि क्योंकि मैं अपना, आपको बताऊंगा, मैं अपना डीक्लटरिंग जोन में हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने सारे जो भी हैंडबैग है ना वो सब निकाल दूंगी, दे दूंगी। कुछ हैंडबैग्स तो मैंने दे दिए हैं, और एक ही हैंडबैग यूज़ करूँगी जो अच्छा, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा ब्रांडेड हो, जो मेरे सूट्स में चल जाए, मुझे कुर्ती पहनना उसमें चल जाए, जीन्स में चल जाए, वन पीस में चल जाए, सब चीज़ों में चल जाए, ऐसा मुझे कुछ बैग चाहिए था। तो मैंने सोचा था मैं बर्थडे पे अपने आप को वो टीनू की तरफ का जो गिफ्ट रहेगा वो मैं वो कर लूँगी। एंड स्टीव मैडन का मैंने, मेरे को एक पसंद आया हैंडबैग, सो मैंने ये सोचा था कि चलो स्टीव मैडन या फॉसिल, थोड़े बजट में, बजट इन द सेंस मीन बहुत हाई एंड ब्रांड नहीं है ये, मिड एंड ब्रांड आप बोल सकते हो उनको। तो मेरा लिमिट था कि मैं 7 के अंदर का ही कुछ बैग ले लूँ, तो मैंने एक ऑर्डर, मुझे एक बैग बहुत पसंद आया और मैंने वो बैग ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद वो बैग आया ना, वो जब मैंने उसको कैरी करके देखा तो वो इतना ज़्यादा खाली में इतना हैवी लग रहा था कि मुझे मज़ा नहीं आया। पहले तो मुझे उसको देख के वो फील नहीं आया, कम से कम मैंने अपने 5 या 6 कपड़े बदल बदल के देखा, उसको कैरी करके देखा कि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। मैंने उसमें अपना लैपटॉप रख के देखा, आईपैड रख के देखा, अपनी डायरी रख के देखी, मतलब दुनिया जान की वाटर बॉटल सब रख के देखा कि ये मुझे सही लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत हैवी, क्योंकि इतना महंगा बैग ले रही हूँ मैं, तो मैं थोड़ा खुले दिमाग से लेना चाह रही थी कि भाई मैं, मेरे वो यूज़ में आए, है ना, मैं जिस पर्पज़ से ले रही थी। बट मेरा ना मन खुश नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, और अब देखते हैं रिफंड आ जाएगा थोड़े दिनों में, अभी तक तो रिफंड आया नहीं है मेरे पास। मैं उसकी पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी, ये मैंने टैन कलर में ऑर्डर किया था, वो बैग इस तरीके का था। और मैंने ना थोड़े दिन पहले, आई थिंक लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने अमेज़न से भी एक और बैग ऑर्डर किया था, ये रहा बैगेट का। मैं जब इसको कैरी कर रही थी ना अपने पास, तो ये, दिस इज़ वेरी लाइट वेट, इसके अंदर सामान भरा हुआ है बट स्टिल दिस इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। और वो जो बैग मैंने ऑर्डर किया था ना वो इतना ज़्यादा हैवी था, इसको ऐसे रखती हूँ ना तो ये ऐसे स्टैंड, मतलब दिस विल नॉट लूज दैट शेप, ये अपने शेप में रहता है, ठीक है, इस तरीके से रखा रहता है। उसको तो मैं ऐसे सामान रख के रखती थी तो वो लुढ़क पुढ़क जाता था, मतलब पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद फेक था, ओरिजिनल नहीं था, जो भी है पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। सो ये स्टोरी हुआ है अभी पिछले 4-5 दिनों का। इंस्टाग्राम क्वेश्चन एज वेल कि विक्की भैया ने आपको क्या गिफ्ट किया, विक्की भैया ने आपको क्या गिफ्ट किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। विक्की ने जैसे फर्स्ट टाइम जो मेरा एप्पल मैकबुक प्रो आया था ना, तो जिस साल मेरा मैकबुक प्रो आया था दिसंबर में हमने ले लिया था, तो क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव आया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आया था, जब मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ पहले ले लेती हूँ या हम कहीं इन्वेस्ट कर चुके होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी फिर डील हो जाती है कि भाई यही गिफ्ट अब आपका एनिवर्सरी का भी हो गया, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, करवा चौथ, और ये 3 चीज़ों में गिफ्ट होता है, इन तीनों का ही गिफ्ट हो गया। इवन अगर बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ है तो नेक्स्ट ईयर का बर्थडे का भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार, ठीक है, इतना कोई हम लोग अम्बानीज तो है नहीं। तो इस बार भी हमारा ऐसे ही कुछ हुआ है कि हमारा ऐसे ही डील हुआ है कि मैं इस साल, नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर तक कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लेने वाली हूँ, तो आई एम ओके विद इट। अभी जाते हैं हम लोग ऊपर, खाना वाना खाते हैं, फिर हम लोग शाम को निकलेंगे, तो जब मैं निकलूँगी ना तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो नाउ गेटिंग रेडी फॉर जहाँ हमको जाना है वहाँ, तो अब बारी आती है ड्रेस सिलेक्ट करने की, क्या पहना जाए। आई एम प्लानिंग टू वियर समथिंग इन ब्लैक, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। आई थिंक आपको ये सब एक ही जैसे दिख रहे होंगे ना, बट सब अलग अलग है। Oh, can I see you late?
दिस इज वॉट माई मेकअप लुक्स लाइक. आई एम रेडी एंड मैं पहनी हूँ ये टॉप जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्लीव है. अब सो दिस इज माई मेकअप, दिस इज माई लिपस्टिक और मास्क अभी पहनेंगे जब निकलेंगे बाहर तब पहन लेंगे. हमारी गाड़ियों में पूरा मास्क का पैकेट रखा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. लोग दो जगह जाने वाले हैं एंड दोनों ही जगह पे मैं कभी नहीं गई हूँ. एक पहले जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं कॉलेज में थी, तब एक जगह एल्ड्रिज ब्लू करके नाम से फेमस हुआ करती थी. अब उसका नाम चेंज हो गया है, जहाँ पर मैं तब भी नहीं गई थी और अब भी मैं जाऊँगी भी तो फर्स्ट. आप भी फर्स्ट टाइम जाओगे ना, मानिएगा एल्ड्रिज ब्लू कभी. मैं तो इस पूरे एरिया में फर्स्ट टाइम जा रहा हूं. तो उधर पर भी मैं कभी नहीं गई थी. तो अभी जवसी बोल रहा है कि वहाँ पर कुछ नया मॉडिफिकेशन हुआ और काफी अच्छा हो गया है वो, तो देखते हैं. तो वहां जाएंगे एंड अदरवाइज सेकंड जो हमारा जगह डिसाइड हुआ है वो खासियत बाय मैरियट है ना, कोर्टयार्ड बाय खासियत ऐसे करके कुछ तो भी है. वहां पर आकांक्षा गई थी लास्ट टाइम. सो लेट्स सी दोनों में से कहां जाते हैं. हम जिस एरिया में रहते हैं ना, लिटरली सारे अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं, ताज, वाज, जेनुआ रिट्रीट, ये सब हमारे घर के मतलब पास में ही है, सब इधर ही है कि नहीं. और उस तरफ जो दूसरे साइड ऑफ भोपाल है ना, वहाँ पर जैसे रेडिसन वगैरह खुला है तो वो इतने कोई खास नहीं है. तो जो मेन खाने पीने की जगह ना वो सब इधर है, लोग सब इधर ही आते, तो हमको तो बहुत पास पड़ता है सारी चीजें. तो अभी हम लोग आ गए हैं हाउस नंबर 230 एंड ये है अश्विनी. मेरे लाइफ में बहुत सारी अश्विनी है. मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ भी अश्विनी है, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड भी अश्विनी है. बहुत अश्विनी है भाई लाइफ में और सब अच्छी है. ये रहा, अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से डाल दो. हाय जवस्वी. ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम दी प्लेस एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. मज़ा क्या, मतलब इतने दिनों बाद मिले थे तो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने को मिला. सो अभी मैं चेंज वेंज करूँगी. यूज़ करती हूँ ये बायोडर्मा का जो आया है ना मेरे पास सीबम H2O, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ही मैंने यूज़ किया है. इससे पहले मैं माइसिला वाटर यूज़ करती थी, बट इनका जो माइसिला वाटर है भाई साहब अमेजिंग है, अमेजिंग. मतलब ये यूज़ करने के बाद, दिस इज़ नॉट अ ब्रांड प्रमोशन एनी वेज, ये मुझे आया ब्रांड की तरफ से है, बट मैं जब से आया है ना तब से इसको यूज़ कर रही हूँ. और कोई प्रोडक्ट होते हैं ना जो आप अमेजिंग क्वालिटी के होते हैं, आपको ब्रांड की तरफ से आता है, तो उस तरीके से मैं बता रही हूँ कि इट्स वेरी गुड. हाँ, इसके बाद मैं इससे फटाक से फेस वॉश करके आती हूँ और उसके बाद जो इसी का CBM हाइड्रा जो है वो लगाती हूँ. मतलब बहुत अच्छा वो आता है फेस पे. सर काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप डेली व्लॉग किया करो, क्योंकि डेली व्लॉग वैसा जो रूटीन होता है ना वो यहाँ पे मेरा नहीं हो पाता है. और मुझे ऐसा लगता है डेली व्लॉग में आप लोग बोर भी हो जाओगे यार. मतलब कुछ होता है हफ्ते में, जैसे अब कल मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलने जाने वाली हूँ, तो मैं कल डेफिनेटली व्लॉग करूँगी क्योंकि कल हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं. बाकी डेली व्लॉग लेट्स सी. यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.